नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जामा मस्जिद दुर्ग के सदर के लिए हुआ मतदान, मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग कर चुना जामा मस्जिद का नया सदर। संडे मार्केट सुपेला में नगर निगम पर चला बुलडोजर, दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को ढहाया, कई दुकानदारों के सामानों को किया जब्त। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा के कलेक्टर को पुनः फोन कर ग्राम पिहरित में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन व राहुल के स्वास्थ्य की ली जानकारी। राहुल के परिजनों से बात कर दिया सकुशल बाहर निकालने का आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा के कलेक्टर से रविवार को पुनः फोन पर बात कर मालखरौदा विकास खंड के ग्राम पिहरित में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति और राहुल के स्वास्थ्य की जानकारी ली। जशपुर के पत्थल गांव से मुख्यमंत्री ने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला को वीडियो कॉल कर बोरवेल में गिरे 11 वर्षीय बालक राहुल के बारे में पूछताछ करने के बाद राहुल के परिजनों से बात कर उनको चिंतित न होने और प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिए जाने की बात कही। गौरतलब है कि ग्राम पिहरित के पास एक बोर में 60 फीट की गहराई में फंसे 11 वर्षीय राहुल साहू को सुरक्षित बाहर निकालने रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नमस्कार सर, क्या स्थिति है? सर आज का अपडेट ये है सर, गुजरात की टीम आ गई है सर, और वो अपने हिसाब से रोबोटिक से उसके हिसाब से एनालिसिस कर रही है। और दूसरा ये है कि जो हम यहाँ पे डिगिंग किए हुए हैं ऑलमोस्ट हम उस लेवल पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे हम एक छोटा टनल बनाएंगे सर, और उस टनल से 25 फीट के आगे तरीकों के हम एक साथ काम कर रहे हैं सर, और आशा कर रहे हैं कि हम शाम तक बच्चे के साथ में कुछ कर पाएंगे, फिर उस बाहर निकाल पाएंगे। ये जो रोबोटिक आया है उसको कैसे करेंगे? जब टनल बना लोगे तो टनल से निकल आएगा, तो रोबोटिक कैसे उपयोग करेंगे? टनल से नहीं सर, वो उनका जो कैविटी बना हुआ ट्यूबवेल उसी पर उनका सिस्टम जाता है सर। अच्छा, ये सिस्टम है सर, और ये आई पे सर। नमस्कार जी, ये सिस्टम है सर, निकालने में कामयाबी मिलेगी सर। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से करिए, सुरक्षित निकालिए, हमारी शुभकामनाएं, पूरे प्रदेश की जनता की शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर जी, खूब बधाई। दादी भी यहाँ पे है सर, वो भी आपसे। नमस्ते 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 नमस्ते, कहाँ जा रहे हो? हाँ निकाल ले वो। हाँ कुछ घंटा हो गए, बाहर निकल गई, सुरक्षित बाहर आई, पूरा विश्वास है मुझे। जितना हो सका थे पूरा सब लगाए हैं, पूरा ताकत लगाए हैं, है ना, और पूरा विश्वास है कि उसको सब ऊपर आई है ना जी। धन्यवाद। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा रविवार की सुबह संडे मार्केट सुपेला में हुए अवैध कब्जों को हटाने कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों के सामानों को जब्त भी किया गया। संडे मार्केट सुपेला में दुकानदारों द्वारा सड़क किनारे किए गए कब्जे, सड़क पर सामान फैलाकर दुकानदारी करने की शिकायत के मद्देनजर नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा रविवार को अवैध कब्जा हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कई दुकानदारों के सामानों को जब्त किया गया। वहीं संडे मार्केट में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिरिक्त निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई का दुकानदारों द्वारा लगातार विरोध भी किया जाता रहा, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के समक्ष किसी की नहीं चली। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के पीआरओ पीसी सारवा ने दी।
सुपिला चौक से लेकर गदा चौक का जो रोड है उसमें सुपिला संडे मार्केट जो है आज रविवार का दिन है। रविवार के दिनों में जो अवैध रूप से दुकानें लगती हैं या जो अतिक्रमण कर लेते हैं उनके खिलाफ जो है अभियान चलाकर पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई की गई है। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश से सुपिला संडे मार्केट में जो अवस्था हो जाती है आज संडे के दिन रविवार के दिन गाड़ियाँ नहीं गुजर पाती हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल पाता है, ऐसी परिस्थितियों में जो है अवैध अतिक्रमण को हटाना जो है जरूरी हो गया था। इसको देखते हुए हमारी जो जेसीबी है जो 5 जेसीबी है वो डंपर 5 डंपर थे, सैकड़ों पुलिस वाले थे, इसके अलावा जो हमारे निगम के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद होकर जो है कार्रवाई किए हैं। देखिए हर जगह हर जोन में भी कार्रवाई चल रही है, आप देख रहे होंगे विगत 4 दिनों से हम लगातार जो है अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहे हैं। अब जहाँ ऐसी संभावना होती है, जहाँ दुर्घटना की भी संभावना होती है, कई टर्निंग पॉइंट होते हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए बारंबार कार्रवाई अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही है। बहरहाल निगम अधिकारियों ने लगातार अभियान जारी रखे जाने की जानकारी दी है, साथ ही सड़क को अवैध कब्जेदारियों से मुक्त कराने की बातें भी कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। दुर्ग जामा मस्जिद सदर के लिए खड़े 5 उम्मीदवारों के लिए मानस भवन दुर्ग में किया गया मतदान। 3,275 मतदाताओं के मतों से चुना जाएगा सदर। दोपहर तक 50% लोगों ने किया मतदान। दुर्ग शहर की जामा मस्जिद के लिए सदर चुनने आम चुनाव किया जा रहा है, जिसके चलते पूरी चुनाव प्रक्रिया अपनाते हुए शासन द्वारा बनाई गई चुनाव टीम के द्वारा सभी तरह की प्रक्रिया पूर्ण की गई। इसी कड़ी में जामा मस्जिद सदर पद के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा किया था और अपना पक्ष रखा था, तो वहीं चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए नौशाद खान ने चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को अपनाते हुए शहर के सभी 60 वार्डों को 4 बूथ बनाकर 3,275 मतदाताओं के लिए कक्ष बनवाया। गौरतलब है कि माह भर से चल रहे इस चुनावी माहौल में पहले 7 जून को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के साथ प्रत्याशियों के लिए अंतिम तिथि नामांकन फॉर्म जमा किया गया, वहीं 8 जून को चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया, साथ ही 9 जून को प्रत्याशियों को मतदाता सूची वितरण किया गया। यहां हम आपको बता दें कि जामा मस्जिद सदर पद के लिए किए जा रहे चुनाव में रविवार को दुर्ग के मानस भवन में मुस्लिम समाज के लोग काफी संख्या में उत्साहित नजर आए। लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट देते नजर आए। इसी कड़ी में चुनाव अधिकारी नौशाद खान ने बताया कि मतदान केंद्रों में 15 लोगों की अलग टीम बनाकर मतदान को संपन्न कराया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों में तैनाती की गई है। वही चुनाव की गिनती और रिजल्ट देर शाम तक घोषित होने की बातें उन्होंने कही। इस संबंध में न्यूज टीम को चुनाव अधिकारी नौशाद खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 5 प्रत्याशी पांचों को आवंटन हो गया है, उनके चुनाव चिन्ह का आवंटन हो गया है और उनको पूरा डिटेल समझा दिया गया है और मतदाता सूची जो बनी है 3,085 की बनी है अभी, तो वो भी उनको एक एक प्रति दे दी गई। जैसे चुनाव होता है वैसे ही है, 4 बूथ बनाए गए हैं और चारों बूथ में वार्ड वाइज 4 बूथ को उसमें डिवाइड कर दिया गया है। पूरे शहर को 60 वार्ड को पूरे 4 बूथ में डिवाइड कर दिया गया है। 4 बूथ में चुनाव होंगे, अलग अलग चारों में बूथों में पेटियां रहेंगी और जो आधार कार्ड और नाम जो वोटर लिस्ट है बूथ वाइज वो भी अरेंज हो गई है, उसमें टिक करके उनको चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मतदाता सूची में जो नाम पुराने ऐड थे तो उसमें अगर वो छूट गए हैं किसी वजह से, कंप्यूटर का जो टंकन त्रुटि है उसको सुधार कर दिया, बाकी नाम जुड़वाने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जिस तरह से दुर्ग शहर जामा मस्जिद के सदर बनने के बाद अपनी सेवा देने के उद्देश्य से 5 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी की है, जिनका फैसला आज शाम तक हो भी जाना है। अब देखना होगा कि मस्जिद की खिदमत के लिए 3,275 मतदाता किसे अपना सदर चुनते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन के बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है।
बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा गया नगर दुर्ग और श्री राम मार्केट स्पर्श हॉस्पिटल के पास रामनगर भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। अध्यापन व्यवस्था स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट, मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास, गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। Thank you.
पीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 777-30-777-111-777-30-777-222। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शहर के लोगों की प्यास बुझाती जीवन दायिनी शिवनाथ नदी की साफ सफाई को लेकर दुर्ग नगर निगम पूरी तरह अग्रसर है। दुर्ग महापौर ने कहा है कि समय समय पर टीम लगाकर नदी की साफ सफाई की जा रही है। दुर्ग भिलाई के लोगों की प्यास बुझाने वाली जीवनदायिनी शिवनाथ नदी की साफ सफाई को लेकर दुर्ग नगर निगम पूरी तरह से अग्रसर है। वहीं दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा है कि समय समय पर टीम लगाकर नदी की साफ सफाई के साथ ही चित्रों को पानी से अलग कर दिया जा रहा है। साथ ही किसी कार्यक्रम के तहत नदी के तट पर फैली गंदगी को भी तुरंत हटा लिया जाता रहा है। साथ ही कहा कि आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए शिवनाथ नदी में बहकर आने वाली जलकुंभियों के चलते इंटकवेल में फंस जाने के कारण पेयजल सप्लाई प्रभावित हो जाती है, जिसके चलते दुर्ग नगर निगम द्वारा समय से पूर्व पुलगांव नाले से जलकुंभियों को साफ कर पानी के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है। इसे लेकर न्यूज टीम को महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले मैं शिवनाथ नदी को प्रणाम करता हूँ। हम सब की जीवन दायिनी दुर्ग भिलाई के लगभग 11 लाख लोगों के कंठ की प्यास बुझाने वाली शिवनाथ नदी की सफाई को लेकर लगातार नगर निगम द्वारा टीम भेजी जाती है और लगातार इसकी सफाई होती भी रहती है। बीच बीच में कहीं से ऐसे शिकायत आती है, वहाँ पे कोई कार्यक्रम हो रहता है तो उसमें गंदगी बढ़ती, तो हम लोग उसको तुरंत तत्काल सफाई भी कराते हैं। जैसे कि सब हम लोग जानते हैं कि पुलगांव नाला डायवर्शन का काम चल रहा है, तो पुलगांव नाला डायवर्शन का काम पूरा होने के बाद शिवनाथ नदी की सफाई में और फर्क आएगा और अच्छी हो जाएगी। और रही बात जलकुंभी की, जैसा आप पूछ रहे हैं, तो जलकुंभी भी लगातार नगर निगम के द्वारा साफ कराई जाती है। अभी भी जलकुंभी बरसात को देखते हुए सफाई कराई जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव तथा भिलाई नगर पुलिस अधीक्षक नासिर सिद्दीकी के मार्गदर्शन में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को मुखबिर की सूचना पर एंटी क्राइम यूनिट की यूनिट तथा सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा व उनकी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान सुपेरा रेलवे क्रॉसिंग इंडियन ब्रायलर दुकान के पीछे मोटरसाइकिल चालक राजा उर्फ अल्ताफ हुसैन सेक्टर 7 निवासी को घेराबंदी कर पकड़कर उसके पास से लगभग 19,000 रुपए कीमत का 1.5 किलो गांजा और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज मुखबिर से सूचना मिली थी सुबह के समय कि एक लड़का है जो
एक R15 बाइक में कुछ अवैध मादक पदार्थ, गांजा जैसा कुछ पदार्थ रखा है और बेचने के फिराक में ग्राहक तलाश रहा है कि सूचना पर रेलवे क्रॉसिंग के पास पे टीम बनाकर भेजा गया था। तो टीम के द्वारा रेड करने पर लड़के को पकड़ा। लड़के का नाम जो है राजा उर्फ अल्ताफ हुसैन, ये सेक्टर 7 का रहने वाला है और पहले भी कई तरह के क्राइम में संलिप्त रह चुका है। इसके पास से जो एक बैग मिला था, उसके बैग के अंदर जब चेक किए तो उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा था। NDPS के जो प्रावधान है उसका पालन करते हुए, विधिसंगत कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध में 20B NDPS का मुकदमा दर्ज कर गांजा जब्त किया गया है। गांजा जो है 1 किलो 520 ग्राम के आसपास निकला है और कुछ नगद जो बिक्री रकम है वो जब्त की गई है। और जो घटना में प्रयुक्त जो बाइक है R15 इसकी उसको जब्त की गई है। जब्त करने उपरांत वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, जहाँ से वो जेल चला गया। इस तपतपाती गर्मी और सूरज के गहरे तापमान के बाद रिमझिम फुहार काफी हद तक मौसम को खुशनुमा बनाती है। इस बार मानसून ने पहले दस्तक देते हुए मौसम को खुशगवार किया है। देर शाम काले बादल छाए और आंधियों के साथ हुई बदली झमाझम बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। ऐसे हालात, ऐसी वर्षा प्रदेश के कई जिलों में दर्ज की गई है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टैरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। स्वीट होम अवे फ्रॉम होम, पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शंकर नारा कार्य के शेष बचे छोटे से पुलिया कार्य में लेट लतीफी पर निगम कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को फटकार लगाई है और 20 जून तक कार्य पूरा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। नगरपालिका निगम दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत स्थित शहर का सबसे बड़ा नाला, जो कि उत्कल कॉलोनी वार्ड क्रमांक 47-48 से शुरू होकर उरला के अंतिम छोर तक होते हुए शिवनाथ नदी में जाकर मिलता है, ऐसे बड़े नाले का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और आयुक्त हरेश मंडावी लगातार शंकर नगर नाला निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुँचे। निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने आकस्मिक रूप से विभागीय अधिकारियों के साथ शंकर नाला के निर्माण कार्यों का जायजा मौके पर जाकर लिया और उन्होंने पाया कि शंकर नाला निर्माण कार्य के संतराबाड़ी के पास छोटे से पुलिया निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा लेट लतीफी की जा रही है।
उन्होंने वहीं पर उपस्थित ठेकेदार को कार्य में लेट लतीफी के लिए जमकर फटकार लगाई एवं विभागीय अधिकारी कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता को निर्देशित भी किया कि 20 जून तक उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करें, साथ ही निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण करावे, अन्यथा संबंधित ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरुद्ध जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि आप लोग स्वयं प्रतिदिन फील्ड में रहकर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लें एवं मुझे अवगत कराएं। ग्रहण सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कुर्सीपार थाना पुलिस ने 3 दिन पूर्व केलसी कुर्सीपार निवासी एक महिला के घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में रखे सोने की चेन, सोने की अंगूठी, सोने का मंगलसूत्र व 8,500 रुपए नगद चोरी करने वाले एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से चोरी का मशरूका बरामद कर लिया है। मामले की जानकारी कुर्सीपार थाने के उप निरीक्षक शिशुपाल चंद्रवंशी ने कुछ इस प्रकार से दी है। हाँ, चोरी का जेवर, सोने चांदी के जेवर के रिपोर्ट हुई है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करके वेचना के दौरान आरोपी फलविंदर सिंह से और 2 अन्य एक फरार है, जिसे जब सोना चांदी जब सोने का जेवर जब्त किया गया है। आरोपियों ने पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है? पहले वाला को तो बता तो नहीं रहा है, फिर वैसे आदत ना है ये आरोपी फलविंदर और कभी पकड़ाया था। पीएसटी की नगर सेवाएं प्रवर्तन विभाग द्वारा ऑपरेशन मिस्टर नटवरराज चलाकर 6 से कुल 40 आवासों को अवैध कब्जेधारियों से खाली कराया गया। आवासों को एलॉटी तथा रखरखाव कार्यालय के सुपुर्द किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं प्रवर्तन विभाग द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के आवासों को अवैध कब्जेधारियों से मुक्त कराने लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रिसाली सेक्टर में अब तक 100 से अधिक मकानों को अवैध कब्जेधारियों से मुक्त कराया जा चुका है। इसी के तहत सेक्टर 6 में ऑपरेशन मिस्टर नटवरलाल अभियान चलाकर 40 आवासों को अवैध कब्जेधारियों से खाली कराया गया। आवासों को एलआरटी और रखरखाव कार्यालय के सुपुर्द किया गया। अधिकारियों ने बताया कि टाउनशिप क्षेत्र के अन्य सेक्टरों में भी अवैध कब्जेधारियों से आवासों को खाली कराने अभियान चलाया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। पूरे देश में ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले को लेकर उपदेश धार्मिक विवाद व धर्म विशेष के खिलाफ की गई एक कथित टिप्पणी के विरोध में आक्रोशित समाज द्वारा किए जा रहे विरोध व हिंसक प्रदर्शन को लेकर दुर्ग जिले के समाज सेवी के एस चौहान ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत की है। पेश है ग्रैंड एशियन न्यूज से हुई खास बातचीत के अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की इस खास पेशकश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहिन खान और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धर्म की राजनीति को लेकर। जी हां दर्शकों, अगर किसी देश की शांति को भंग करना है, किसी देश की शांति व्यवस्था को बर्बाद करना है या कहना है कि आपस में लड़ाकर राजनीति रोटियां सेकना है, तो धर्म के नाम पर लड़ा दो और फिर देखो कि देश में किस तरह शांति व्यवस्था भंग होती है। हम शांति व्यवस्था किस तरह रहे और धर्म उसमें किस तरह आड़े आ रहा है, इसे लेकर आज चर्चा करने जा रहे हैं केएस चौहान जी से। केएस चौहान जी भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी हैं और समाज सेवी भी हैं। इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपसे चर्चा करेंगे धर्म को लेकर जो राजनीति की जा रही है उस पर, तो सबसे पहले बताएंगे एक मुद्दा ज्ञान व्यापी मस्जिद का है, जो उस ज्ञान व्यापी मस्जिद को आप किस नजरिए से देखते हैं, संपत्तिवाद या फिर आस्था का प्रतीक? देखिए, ये विवेक का प्रतीक है। विवेक ये बोलता है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो सही है वो चीज कही जाए। आज हो सकता है कि जैसे कोई कानून हम बनाते हैं तो उसको संशोधन करने के लिए क्यों हमारे पास ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जो आज कानून बनाया है हो सकता है कि आगे चल के वो वहां की जनता के लिए, वहां के आबोहवा के लिए वो मुनासिब ना हो, तो उसको बदला जा सके, उसमें संशोधन किया जा सके। वैसे ही है कि जो ज्ञान व्यापी जो मामला है, जब बाहरी आक्रांताएं आई थी तो उन्होंने, बाहरी आक्रांताएं एक क्या होता है कि उनको किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं रहता है। मैं आपको बताऊं, कोई मजहब से कुछ नहीं लेना देना रहता है, उन्हें सिर्फ राज करना है और राज करने के लिए ही वो धर्म का यूज करते हैं, धार्मिक चीजों को
वो बढ़ावा देते हैं या उसे ड्रॉप करवाते हैं, या और भोले भाले लोगों का जो धर्म में आस्था रखते हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि एक्चुअल में धर्म क्या है। तो जो एक्चुअल में धर्म ये नहीं जानते हैं, जो जागरूक बहुत अच्छे से नहीं है, उनको बरगला सके, उनको एक चीज में बांध सके, इनको इमोशंस से खेल सके। और कभी भी हम कोई भी होता है तो हम आराध्य, हमारे जो लोग होते हैं, हमारे देवता होते हैं, आराध्य देवता होते हैं, हम किसी चीज से, किसी समाज से जुड़ना चाहते हैं, बंधे रहना चाहते हैं, तो उसके कारण हमें हमारे साथ खेला जाता है। ये विवेक का मामला है, कानून उसके हिसाब से संशोधन होते रहता है और राजनीति इसमें खेलते रहती है। राजनीतिज्ञों को जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम नहीं करते हैं, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सर, मेरा सवाल था जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, आस्था का प्रतीक इसको मान करके मुद्दा मानेंगे या फिर संपत्ति का? ये कहीं संपत्ति का मामला हो सकता है और कहीं आस्था का मामला हो सकता है। और हमारे देश की जो गीता है, हमारे देश की जो जो संविधान है, संविधान के हिसाब से जो कानूनी रूप से अगर ये जहां पर प्रॉपर्टी का मामला होगा तो वहां पर वो उस नजरिए से उसका अवलोकन किया जाएगा। और जहां संस्था आस्था का मामला होगा, आस्था किसी को ठेस ना पहुंचाई जा सके, हमारी जो जनता है वो ठीक से रहे और उनकी आस्थाओं के साथ ठेस ना पहुंचाई जाए किसी की भी, हमारा संविधान क्यों बना, कैसे बनाया मालूम है कि आपकी भलाई हो लेकिन आपकी भलाई के लिए दूसरों का अहित ना हो। अगर दूसरों का अहित नहीं होता है और आपकी भलाई हो रही है तो संविधान उसकी छूट देता है और जज और कोर्ट जो है वो उसके हिसाब से फैसला देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला भी है और आस्था का मामला भी है और कानून के हिसाब से भी मामला है। अभी अब सुर्खियों में अगर मामला देखें तो नुपुर शर्मा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका गरमाया हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जिन्हें पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है, उनके द्वारा की गई कथित टिप्पणी के बाद पूरे देश के मुस्लिम समाज में आक्रोश तो है, इस पर आपकी क्या राय? ऐसा बोलना कि पूरे देश के मुस्लिम समाज में आक्रोश है, और किसी भी, मैं ये समझता नहीं पर्सनली तौर पे, क्योंकि जो नुपुर शर्मा जी का ये व्यक्तिगत ये टिप्पणी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कोई समाज की टिप्पणी नहीं हो सकती है। इसीलिए जो उनको कारण भी बताया गया है, जो 6 साल के लिए उन्हें किया गया है, तो उसमें ये भी बोला गया है कि जो आपने बोला है वो पार्टी लाइन में नहीं है, पार्टी लाइन के अनुसार नहीं है। पार्टी लाइन के अनुसार तो न्याय के हिसाब से बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी जो कार्यकर्ता है वो अपने हिसाब से नहीं, अपन संगठनात्मक हिसाब से चलते हैं। तो नुपुर शर्मा जी का जो बयान है वो हो सकता है व्यक्तिगत हो उनका तो, लेकिन ये पार्टी का नहीं हो सकता, एक देश का नहीं हो सकता। देश हमारा, देश का संविधान जो बोलता है वो देश के संविधान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चलती है। जैसे हम बात फिर इसी मैटर की और इसी मामले ही करेंगे, इस मामले को लेकर, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश भर के दिगर राज्यों में असामाजिक तत्व सक्रिय हैं और आम घटनाएं आम हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में इस तरह की घटना भी देखी नहीं जा रही है। आप देखे होंगे, आपने मीडिया पे भी देखा होगा और ज्यादातर सोशल मीडिया में देखा होगा कि इस तरह की जो घटनाएं हिंसक है वो छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही। क्या इसे राज्य सरकार की यानी वो करेंगे उसका अच्छा प्रयास, उसका एक तरह से कामयाबी, या फिर यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारा? नहीं, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है वो अपना शांति का टापू कहा जाता है पहले से। यहाँ के लोग बहुत सीधे सरल हैं और भाईचारे में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम देखते हैं कि गुरुद्वारों में भी अपना इफ्तार की पार्टी की जा रही है और दूसरी जगह भी, मतलब कई मुस्लिम समाज
शरबत पिलाते हुए दिखता है, कहीं मुस्लिम समाज कुछ वितरण करते हुए दिखता है, दिगर जो हम मुस्लिम या हिंदुओं के जो त्यौहार आते हैं या सिखों के आते हैं या किसी और समुदाय के जो त्यौहार आते हैं, वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को मतलब प्रमोट करते हुए दिखते हैं। ये आपसी भाईचारा है, ये आज से नहीं, ये कोई भी सरकार पहले पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके पहले फिर वो MP था तो फिर अपना कांग्रेस की पार्टी की भी सरकार थी और फिर भारतीय जनता पार्टी, कोई भी सरकार है, हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो आबो हवा है वो शांत है और यहाँ पर लोग भाईचारा में ज्यादा विश्वास रखते हैं, यहाँ पर दूसरी निगाहों से बहुत ज्यादा देखा भी नहीं जाता है कि आप अमुक समुदाय के हैं या अमुक समुदाय के हैं। फिर मुद्दे पे हम आते हैं तो ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के, यहाँ पर जो प्रकरण है सबसे चर्चित मुद्दा ये है पूजा स्थल कानून का, इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि कोई निश्चित तय ही नहीं कर पा रहा है ये निर्णय, ये निष्कर्ष ये है, आपने देखा? नहीं, कोर्ट अपनी कार्रवाई पूरी कर रहा है, कोर्ट जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है, और संविधान क्या है, संविधान का एक एक शब्द क्या होता है, धार्मिक है, धर्म क्या है, पहले हम ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि धर्म क्या है। धर्म ये है जिसको हम सोचते हैं कि हम ये अमुक कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं वो हमारा धर्म है, या दूसरा मुस्लिम धर्म है या सिख धर्म है या हिंदू धर्म है, तो वो धर्म नहीं होता है। धर्म क्या होता है, धर्म होता है कि जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो उस समय करना सही है वो धर्म होता है। जैसे आज आपको अगर मान लीजिए किसी को पानी पिलाना जरूरी है और आप अगर नहीं पिला रहे तो आप अधार्मिक, आप नास्तिक, आप आस्था नहीं रखती। आस्था उसी को, नास्तिक उसी को बोला जाता है जो आस्था नहीं रखता। आस्था आपको आपकी क्यों नहीं है, आपको पानी पिलाना चाहिए था तभी आप आस्तिक हैं, तभी आप धार्मिक हैं। धार्मिक वही होता है जो उस समय जो सही है वो करे। अगर मान लीजिए कि, और यही सब चीजें हमारे जो संविधान में लिखी गई है, और संविधान में एक चीज ये भी लिखी गई है कि अगर चाहें तो उसको संशोधन किया जा सके, क्योंकि ये भी जरूरी है कि आज जो सही नहीं है वो हो सकता है कि सही कल हो, तो उसको संशोधित करके उस समय धार्मिक किया जा सकता है। इसीलिए हमारा संविधान जो है वो एक धार्मिक किताब है। और मैं बता दूं आपको कि यहां पर जो भी दंगे होते हैं जो ऊपरी तौर पे हमें दिखते हैं लेकिन वो ऐसा कारण नहीं होता है, कुछ और दूसरी शक्तियां भी लगी रहती हैं जो दंगा भड़काने में, दंगा करवाने में उनका सपोर्ट करती है। आज मैं ये कानपुर के जो एक हाशमी जिनका नाम आ रहा है कि दंगों के पीछे, उनका अकाउंट खंगाला गया, तो पिछले दो साल में 48 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आए हैं बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से। ये विश्वव्यापी मतलब ताकतें हैं जो यहां पर दंगा करवाना चाहती, और उनका मकसद अलग है, उनका मकसद कोई, उनको कोई लेना देना नहीं किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपना मकसद साधन। जैसे अमेरिका का जो धंधा है वो है हथियार सप्लाई करने का। अब हथियार सप्लाई कब होंगे, शांति का वातावरण रहेगा तो हथियार सप्लाई तो नहीं होंगे, आप मार्केटिंग भी नहीं कर सकते, आप मार्केटिंग बहुत दूसरे तरीके से करते हैं, आप लड़ाई कर पाते हैं। आप आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है पूरे वर्ल्ड में अमेरिका और अपना रशिया, ये दोनों के कारण ही पूरे वर्ल्ड में लड़ाई हुई, और कोई कारण नहीं, क्योंकि ये दोनों ही हथियार के सप्लायर हैं सबसे बड़े। तो बाहर की शक्तियां जो हैं वो यहां पर लड़वाती हैं। नुपुर शर्मा जी का और ज्ञान वापी का तो अभी कुछ महीनों में ये मामला है, ठीक है, लेकिन पहले से ये तैयारी, क्योंकि
कानपुर का जो रिपोर्ट आई है अभी, तो कानपुर में ऐसा लग रहा था कि प्रायोजित दंगे, पहले से सोच के रखा हुआ है कि दंगे करवाने हैं। ये मामला आ गया सामने तो इस मामले में दंगे करवा दिए। बाकी आपको हम एक जो जागरूक भारती है, हम जो एक जागरूक इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, वो कभी भी कोई भी हम मजहब में, हम कभी नहीं चाहते हैं कि मजहबी दंगे हमारे साथ हों या हमारे शहर में हो, मोहल्ले में हो, कभी नहीं चाहते हम। क्योंकि हम अपने पड़ोसी को क्या बोलेंगे कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, भाई है, हम उससे लड़ने लग जाएंगे। हमको हम चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग यूज करते हैं, ऐसी आबो हवा बनाते हैं जिससे हमें बचना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि इस टाइप के काम ना। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली अमेरिका को लेकर के, कि उसका काम हथियार सप्लाई करना है और एक तरह से वो दंगे फैलाकर उसकी उपयोगिता बताता है कि अब इस्तेमाल करने का समय आ गया। उनका कोई धर्म नहीं है, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। अभी मैं बता दूं आपको कि अमेरिका बहुत ज्यादा फंडिंग करता है यहाँ पर धर्म को, धर्मांतरण के लिए बहुत सारे लोगों की वो दुनिया संवार रहा है, लेकिन यहां से ज्यादा परसेंटेज में भिखारी अमेरिका में है। पहले उनको क्यों नहीं कर रहा है अमेरिका, यहां पर फंडिंग क्यों दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति, इससे उनको अपनी दुकान चलानी है, उनको अपना पैसा कमाना है, उनको शक्तिशाली बनना है। शक्तिशाली बनने के लिए ही पूरी चीजें की जाती है। और हम इसे कभी नूपुर के साथ जोड़ देते हैं, कभी हम इसे ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ जोड़ देते हैं, कभी कुछ किसी के साथ जोड़ देते हैं। ये कोई मामले नहीं है। सामने जो देखे जा रहे हैं, जो हिंसा बढ़ाने भड़काने के मामले, और सोशल मीडिया, आधी से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोजेक्ट है, या बोला जाए 75%। हाँ, सोशल मीडिया की हम बात करें तो लोकल अपने भारतीय जो है आपस में ही अलग अलग बयान टिप्पणियां, अगर अभी हाल ही में एक पैगंबर को लेकर टिप्पणी की गई, भिलाई में भी एक मुद्दा गरमाया हुआ है फादर साहब को लेकर के, ये इस तरह की टिप्पणियों पर किस तरह विराम लगाना चाहिए? क्या धर्म के नाम पर दंगा फैलाकर क्या राजनीति रोटियां सेकने के लिए लोगों की मंशा है? देखिए, कुछ जो टिप्पणियां रहती है वो प्रायोजित रहती है, प्रायोजक प्रायोजन किया जाता है उनको टिप्पणियों बनाने। कई लोग, कई हजारों लाखों लोगों की जीविका चलती है, जो खुद मान लीजिए कि कोई विशेष समुदाय के हैं, मान लीजिए कि कोई खुद मुस्लिम है मान लीजिए, और मुस्लिम के खिलाफ वो सोशल मीडिया में वो टाइप कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, उसको बेचारे को अपना घर चलाना है जाके, राइट? उसको अपने को अपना घर चलाना है, और ऐसे वो उसको ये काम मिला हुआ है, क्या करेगा? मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी समाज की बात कर सकता हूं, मैं हिंदू के बारे में बोल सकता हूं, सिख के बारे में, मैं एक बात बता रहा हूं। एक आम जनता की परेशानी जो है वो सबसे पहले रोटी खाना है, अपने अपने परिवार को संभालना है, उसके कारण उसको जो काम मिल रहा है वो कर रहा है। इसका असर वो क्या आ रहा है वो इतना सोचने में उसको उसकी इतनी मंशा नहीं है कि मेरे पोस्ट के कारण इतने लोगों का खून बह जाए। और ये भी मैं बता दूं कि पहले पोस्ट डलवाई जाती है, उसके बाद वो भड़काई जाती है, दंगे करवाए जाते हैं, अधिकतर ऐसे ही होता है। कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसका जो सही में आती है सामने, और जैसे कि आपने अभी भिलाई का मामला बोला, तो ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, और मैं दरखास्त करूंगा कि ऐसे मतलब हमें इस टाइप की टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि जो संविधान के हिसाब से हो, संविधान हमारा यही बोलता है कि हमारे सुख के कारण कोई दूसरा दुखी ना, हमारी खुद की खुशी के कारण कोई दूसरा नाराज ना हो, संविधान सबसे पहले यही बोलता है। और यही संविधान हमारे को बोलता है कि हजारों हजारों
गुनाहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा कानून भी बना हुआ है, संविधान के हिसाब से जो सही है उचित है वो करना चाहिए। और भी क्या होता है, प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम कट्टरता में आती है। हम किसी भी चीज में अगर कट्टर हो जाते हैं, कट्टरता बहुत ही ज्यादा भयानक होती है, वो आपको बैलेंस नहीं रखती है, वो आपकी लाइफ के लिए भी खतरनाक है। कट्टरता मतलब सिर्फ आप उसके साथ जोड़ के मत देखिए, अपने अपने आराध्य के साथ जोड़ के मत देखिए, अपने मजहब के साथ जोड़ के मत देखिए। कट्टरता ये भी होती है कि मान लीजिए कि मेरे को सिर्फ चावल ही खाना, अब आपको डॉक्टर बोल रहा है कि भैया आपको ग्रीन पत्ते की सब्जी भी खाना जरूरी है, आपको रोटी खाना भी जरूरी है, आपको दूसरी चीजें भी खाना जरूरी है, लेकिन आप क्या बोलते हैं कि नहीं मैं तो कट्टर हूं, मैं तो चावल का समर्थक हूं। तो जो कट्टरता होती है, कट्टरता हम जब पढ़ लिख जाते हैं तो हमारी हम बैलेंस्ड करके सोचना चालू कर देते हैं कि नहीं हमारे लिए सब्जी भी जरूरी है, हमारे लिए रोटी भी जरूरी है, हमारे को सिर्फ चावल ही नहीं खाना है। हाँ ठीक है, हमारे को पसंद है चावल, हम खाएंगे, लेकिन हमें दूसरी चीजें भी खानी है। तो कट्टरता जो है वो हमें छोड़नी चाहिए, और जितना आदमी कट्टर रहेगा उतना ही लोग उसका यूज करेंगे, यूज करते हैं। इस वजह से हमें कट्टरता छोड़नी पड़ेगी। और कट्टरता क्या बोलती है, कट्टरता बोलती है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही इसको ये करूंगा, अपना सजा दूंगा इस चीज में। ऐसा थोड़ी ना होता है। आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आज प्रॉब्लम ये है कि आपने गलत किया, मान लीजिए कि उन्होंने गलत किया, कोई किसी ने भी अपने आराध्य देव का अपमान किया, तो कट्टरता क्या बोलती है कि आप उन्होंने गलत किया है तो संविधान के हिसाब से गलत है, इसलिए उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम कह रहे हैं इसलिए सजा मिलनी चाहिए, लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए। जो आपका संविधान बोलता है, जो आपने सही है, उसी के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ही चलना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है, और उसी के हिसाब से चलना चाहिए, और हमारे कारण किसी दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, यही हमारा संविधान बोलता है। वर्तमान में भी धर्म को लेकर जो माहौल देखा जा रहा है उस पर अपनी एक राय और एक अपील दर्शकों से क्या करना चाहेंगे कि आपसी सामंजस्य बना रहे, लोगों में कट्टरता की एक बात आपने कही, कट्टरता छोड़ के संविधान को फॉलो करते हुए आपसी सामंजस्य कैसे रहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम किससे लड़ रहे हैं? हम पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बहुत पारसी भाई से लड़ते हैं, फिर हम शिया सुन्नी हो जाते हैं, फिर हम वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र से आपस में होते हैं, और उसके बाद फिर शूद्रों में भी कैटेगरियां निकल जाती है, ब्राह्मणों में भी कैटेगरियां निकल जाती है, क्षत्रियों में भी कैटेगरी निकल जाती है, उस कैटेगरी में भी फिर अपने पराये आ जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं, क्या ये चीजें सही हैं, और सही के हिसाब से ही करना, हमें अपना काम करना चाहिए। और हर कौम को अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, इस काबिल बनाना चाहिए कि सही और गलत का वो निर्णय ले सके और उसके बाद स्टेप उठाए। जब तक हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेते हैं, तब तक हम गुलाम होते हैं। हम तथाकथित गुलाम अभी दूसरों के हैं, भले मतलब हम अंग्रेजों के नहीं, हम उसके पहले जो विदेशी आक्रांताएं आई थी वो उन्होंने हमारे को गुलाम बनाया, हम उनके नहीं है। हम उनके गुलाम कब बने? हम जब हम शिक्षित नहीं थे, हम जागरूक नहीं थे, जागरूक बनिए और इस गुलामी से निजात पाइए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की राजनीति और देश के भी वर्तमान माहौल को लेकर आपने बहुत सी चर्चा की और बताया कि किस तरह आपसी भाईचारे के साथ रहा जा सकता है। आपसे ला मैं तेरा प्रसाद खा लूं और तू खा ले मेरी शिवनी। जी हाँ, अभी भाजपा के मीडिया प्रभारी केश चौहान जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उन्होंने आपसी भाईचारे की बहुत अच्छी बातें बताई और धर्म के नाम पर ना हमें लड़ना चाहिए बल्कि जो संविधान है उसको फॉलो करते हुए
कट्टरता को छोड़ करके आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और दूसरा ये सोशल मीडिया में इस तरह जो एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए अनर्गल टिप्पणियां की जा रही है उस पर विराम लगना चाहिए, तभी किसी हद तक के ये धर्म के नाम पर राजनीति करना भी लोग छोड़ेंगे और आपस में भाईचारा भी रहेगा। नमस्कार, इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।